काफी सारे कबड्डी कोच है। हाँ जी कबड्डी के कोच हो सर, बच के रहना। मैं चला नहीं जाते रहे पर बच के जाना, मेरी नजर पे आएगी। अच्छा बेटा आप कहाँ से? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से? अच्छा आप स्टूडेंट जी? आप स्टूडेंट? स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों। तारिक रशीद बात है जी, आज हम ये चांद बाग में इवेंट पे आए हैं।
काला शाखा को मोटर वे इंटरचेंज है। कबड्डी कोच है? हाँ जी। माशाल्लाह कबड्डी दे कोच हो? जबरदस्त। सर बच के रहना। जी जी जान के मैं चला। नहीं नहीं जाते रहो पर बच के जाना। हाँ। मेरी नजर पे गई था डेटा में। अच्छा बेटा आप कहाँ से? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से? अच्छा आप स्टूडेंट? जी। आप स्टूडेंट? स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों। अच्छा पढ़ भी रही हूँ काम भी कर। तो आपका प्रोफेशन क्या है? फाइन आर्ट्स। माशाल्लाह। तो आप भी सोलो बाइक करें जी। तारीख रिशीद बांटा जी, आज हम ये चांद बाग में इवेंट पे आए हुए हैं और बहुत सारा बहुत खूबसूरत और बड़े अच्छे बाइकर और इन साइड बड़े नफीस लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ हमारे कलीग्स भी आए हुए हैं, बाइकर भी आए हुए हैं और ख़वातीन की और नौजवान लड़कियों की बहुत ज़्यादा तादाद है। तो ये हमारे साथ बाइकर हैं मोमना भट्ट साहबा और ये वेट लिफ्टर भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमना भट्ट हूँ और मैं प्रोफेशनल वेट लिफ्टर हूँ, पावर लिफ्टर चैम्पियन और बाइक राइडर आल्सो। आप बेटे कहाँ से हैं? मैं लाहौर से सर। अच्छा तो ये टूर आपका पहला है इधर? नहीं नहीं टूर तो करते रहते हैं, टूर टूरिज्म के साथ अटैच है लेकिन आज ये इवेंट यहाँ पे एक इवेंट था तो हम इनवाइटेड थे, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आई हूँ। आपकी टीम के कितने मेंबर हैं? सर वो तकरीबन 12-14 लड़कियाँ हैं हम। माशाल्लाह। और भी हैं लेकिन जो आउटसाइडर हैं जी जी वो कम निकलती हैं बाहर, कम आती हैं और कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ी राइड हो तो फिर हम उनको साथ लेके। अच्छा बेटा पास बाइकें भी बड़ी हैं, छोटी बाइक इधर आपने कैसे महसूस किया? बहुत सिक्योर फील किया है और सबने बेटियों की तरह बहनों की तरह ट्रीट किया है। हम पहुंच गए हैं चांद बाग स्कूल, तो ये हमारे बाइकर सबसे पहले मैं उधर ये चांद बाग स्कूल का मेन गेट और आज फंक्शन है चांद बाग स्कूल। शुक्रिया वेलो तुहानू वेलकम करने वास्ते अगे खड़े हैं। नॉर्थ की तरफ होता था और मोटरसाइकिल्स पे होता था, सड़कों का बहुत बुरा हाल था,
आपके पास बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पे ब्रिजेस नहीं थे और बहुत से ऐसे मामलात थे कि जिनके साथ आप मोटरसाइकिल के साथ ट्रेवल करना एक नामुमकिन सफर समझा जाता था। हर शहर से आवाज आई कि वहां भी टैलेंट मौजूद है, हर जगह से आवाज आई वहां पर टैलेंट मौजूद है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, केपी के, आज हमारे दरमियान वो शख्सियत भी मौजूद हैं कि जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे चढ़कर ये साबित किया कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में किसी तरह कम नहीं है। तो क्यों ना हमने सोचा कि बाइकिंग कम्युनिटी को भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, किसी ऐसी जगह पे लाया जाए, किसी ऐसे बा मकसद प्रोग्राम में लाया जाए कि जिसमें हम लोग ग्लोबली पूरी दुनिया के सामने ये बता सकें कि पाकिस्तान का बाइकर जो है वो एक बाशऊर बाइकर है, एक रोड सेफ्टी के ऊपर उनको मुकम्मल अबूर हासिल है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेटअप सारी दुनिया के सामने है। आज भी हमारा मुल्क एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है। आप पेट्रोल जो है वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है और हमारे बाइकिंग कम्युनिटी में मोटरसाइकिल वाहन सफर है जिसमें कोई दूसरा कोई CNG कोई सस्ता जरिया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाइकर जो है जब उसने ये सोचा कि हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के आगे एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर, एक खूबसूरत मुल्क के तौर पर, एक दुनिया में बसी हुई जन्नत के तौर पर पेश किया है, तो क्यों ना हम उन मुल्कों में भी जाकर लोगों को बताएं कि जहाँ से आप लोग हमारे मुल्क में आते हैं हम भी अपने मुल्क की सकाफत लेकर, अपने मुल्क का कल्चर लेकर, अपने मुल्क की तमाम चीज़ें लेकर आपके पास आ रहे हैं। पहली दफा जब हमने अनाउंस किया कि हम लोग इंटरनेशनल बाइकिंग के लिए मुकम्मल तौर पर कोशा हैं, तो मैं आपको बड़े वाज़े अल्फाज में बताता हूँ कि सबसे ज्यादा मुखालफत हमारी इस कौमी सतह पे की गई। हवाएं, परिंदे, पानी, इनकी कोई सरहद नहीं होती, बाइकर की कोई सरहद नहीं होती। अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है उसमें जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो कई मुल्कों से गुजरते हैं, वो किसी एक जगह जाके रुकते नहीं हैं। उसमें हम लोग आसान तरीन शरायत में, मुख्तसर तरीन बजट में हर बाइकर को इंशाल्लाह इंटरनेशनल टूर पे ये है हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है कि हर बाइकर जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का परचम बुलंद करे। बिल्कुल, क्यों नहीं जी, वे हेलो फोन दे रहा जी, मुलाकात हो गई है, मेहरबानी। और जी शाहवान सब खैर जी।